वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम डिजिटल और आरवी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग, काफी प्यारा और काफी शानदार रहने वाला है। वीडियो को टकटकी लगाकर देखिएगा एंड तक, बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। पूरा कंप्लीट न्यूज़पेपर का एनालिसिस हम लोग करेंगे। स्टार्टिंग का जो पार्ट रहेगा, पूरा डिस्कशन दो पार्ट में आप लोगों को देखने को मिलता है। पहले पार्ट में हम लोग एडिटोरियल डिस्कस करते हैं और दूसरे पार्ट में न्यूज एनालिसिस वाला पोर्शन डिस्कस करते हैं। तो आखिरी तक अगर आप लोग लेक्चर को देखते हैं तो आप लोग अपने आप को हर एक तरीके से, वो नहीं कहते कि चारों तरीके से, चारों डायमेंशन में अपने आप को आप लोग अपडेट कर पाएंगे। तो इसी के साथ में अगर वीडियो देखने के बाद में आप लोगों को लगे यार इसकी पीडीएफ हमारे पास में होनी चाहिए, तो टेलीग्राम से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना। 1,43,000 के करीब मेंबर यहां पर जुड़े हुए हैं, आप लोगों को भी काफी फायदा होगा और भी कई सारी चीजें शेयर की जाती हैं यहां पर जो कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। आंसर राइटिंग ग्रुप में जाकर आप लोग आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। डेली दो क्वेश्चन में पोस्ट कर रहा हूं यहां पर, अगर आप लोग देख पाएंगे तो यहां पर आप लोग देखिए डेली दो क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं। एक तो करंट का होता है, दूसरा स्टैटिक होता है, तो इनको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, आंसर राइटिंग कहां कर सकते हैं? ये तो टेलीग्राम में ही जाकर आप लोग यहां पर पोस्ट कर देना वीडियो के नीचे, यहां पर ऑप्शन रहता है, काफी सारे बच्चे लिख रहे हैं। बाकी अगर आप लोगों को लगता है टेलीग्राम पर आप लोग कंफर्टेबल नहीं है तो फेसबुक पर पेज है, उसका भी लिंक जो है वीडियो के नीचे मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप लोग जाकर पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, पर एक बात है कि एक दूसरे के आंसर से सीखिए, आंसर लिखिए, तभी आप लोग लंबे समय तक चीजों को अच्छे से लेकर चल पाएंगे, वरना कुछ भी फायदा देखने को नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसी ने आंसर पोस्ट किया तो आप लोग उसका रिव्यू भी करेंगे तो भी आप लोग काफी कुछ जानने को मिल जाएगा। तो एक दूसरे से आप लोग काफी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि अगर एक दूसरा कुछ ना कुछ डायमेंशन अलग ऐड करेगा अपने आंसर के अंदर तो काफी फायदा होगा। तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है इसका, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए, काफी फायदा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलने वाला है। कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जाती हैं एग्जाम में, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलता है। और इवन अगर आप लोग देखें यहां पर एक इंटरेस्टिंग एक मैसेज सेंड किया गया एक एसएलवी फैमिली मेंबर के द्वारा, इनके द्वारा बोला गया ये जैसे नॉर्मली आप लोग एग्जाम देने जाते हैं ना, तो इनके द्वारा बेसिकली बीएड का एग्जाम दिया, तो कई सारे क्वेश्चन इनके द्वारा दिखाए गए कि सर डायरेक्ट आपके डिस्कशन से आगे। तो देखिए इसलिए मैं बोलता हूं जो डिस्कशन होता है ना, ये किसी ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एग्जाम के लिए है कि हाँ यही एग्जाम है, करंट अफेयर है, किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मैं उस लेवल पर एग्जाम के आप लोगों की तैयारी कराता हूं कि किसी भी एग्जाम में अगर टॉपिक आ जाए तो चारों तरफ से उसको कवर किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से लेकर चलना है, तो काफी प्यारा डिस्कशन रहेगा, काफी कुछ देखने को मिलेगा, हर एक तरीके से ये आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाला है। पहले एक छोटी सी मोटिवेशनल कोट है जो आप लोगों की लाइफ में भी इंप्रूवमेंट लेकर आएगी। बोला जा रहा है कि एक तो होता है देखिए बाहरी खूबसूरती, जिसको देखकर आप लोग फर्स्ट टाइम में अट्रैक्ट हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप लोग कहते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट, तो वो वाला जो होता है वो एक क्षणिक भर अटेंशन आप लोगों को दे सकता है, बहुत सुंदर इंसान है, ठीक है, ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है या लग रही है, ठीक है, वो एक तरीके से वो आप लोगों को थोड़ी देर के लिए खुशी दे सकता है वो सारी चीजें। पर लेकिन जो इंसान रियलिटी में एक पर्सनैलिटी होती है ना, जो अंदर से एक तरीके से एक सही इंसान होता है, अंदर से जो इंसान एक प्रोडक्टिव इंसान होता है, अंदर से डेडिकेटेड इंसान होता है, जिसके ओर जिसके आसपास ओरा रहने रहता है, वहां पर जाकर अगर बैठो तो आप लोगों को शांति मिलने लगती है। जैसे कि मेरे माइंड में पता नहीं क्यों हमेशा वही पिक्चर आती है एपीजे अब्दुल कलाम सर, ठीक है, आप लोग देखो मतलब एक तरीके से अगर आपको उनको वैसे हटा दो, कोई उनको जानता नहीं है, ठीक है, कि वो एक इस तरीके के इंसान थे, और फर्स्ट नजर में उनको देखेगा तो देखने के बाद में उसकी फीलिंग कैसी होगी, मतलब वो इस तरीके से नहीं कि हाँ बहुत ही अच्छी फीलिंग उसको आने वाली है एज ए अगर फेस वाइज आप लोग देखोगे, पर लेकिन अगर देखो जो रिस्पेक्ट वाली फीलिंग आती है, जो अंदर से सुंदरता आती है, वो निकल कर आती है उनके काम की वजह से, उनके नेचर की वजह से, उनके एटीट्यूड की वजह से, जो उनका बच्चों को लेकर उनका नेचर था, एटीट्यूड था, वो वाली पर्सनैलिटी होती है, तो उसके लिए फूट फूट कर रेस्पेक्ट निकलती है दिल से, है कि नहीं? तो अब आप लोग बताइए पहली पर्सनैलिटी जो कि थोड़े टाइम के लिए सुंदर रहेगा इंसान, या फिर अगर उसको सोचो तो बस सुंदरता निकलकर अंदर से आए, कौन से वाली अच्छी है? तो बताइए फर्स्ट में फर्स्ट वाला लिखिएगा आप लोग, और सेकंड में सेकंड वाला लिखिएगा, यानी कि ए या फिर बी। तो आप लोग किस सुंदरता को आप लोग बेसिकली ज्यादा पसंद करोगे? और 99% जो लोग हैं आज के दिन में इस वाली सुंदरता के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है, जो कि कुछ टाइम के बाद में फेड हो जाती है। आप लोगों की एज जैसे 40s या 50s के एयर फेयर में पहुंचेगी, वो सारी चीजें डाउन होनी स्टार्ट हो जाएगी, पर लेकिन ये वाली सुंदरता जो है ना, ता उम्र आप लोगों के साथ में रहने वाली है। तो हमेशा पर्सनैलिटी बनिए अंदर से, अपने आप को उस लेवल पर लेकर जाइए कि लोगों के पास अगर लोग आप लोगों के पास से बैठे तो आप लोगों का ओरा ही लोगों को चेंज कर दे। तो ये वाली बात यहां पर भूलिए।
एक छोटी सी इंटरेस्टिंग न्यूज है, हालांकि एग्जाम में तो आप लोगों नहीं आएगी, इसके ऊपर मैं आप लोगों से आर्टिकल भी डिस्कस करूंगा, इसलिए थोड़ा बता दे रहा हूं। अभी यहां पर केरला के अंदर क्या हुआ, दो बेसिकली जो कपल थे उनको शादी करनी थी, तो यहां पर जब वेडिंग स्थल पर ले गए उनको, तो इस तरीके से एक फ्लडेड एक पर्टिकुलर एक बर्तन में बैठा कर ले जाया गया और फिर यहां पर पूरी इनकी सेरेमनी कंप्लीट हुई। तो समझ सकते हैं कैसी कैसी प्रॉब्लम केरला में झेलने को मिल रही है। तो आर्टिकल होगा वहां पर, एडिटोरियल में कई सारी बातें डिस्कस करूंगा, कमिटी के बारे में भी हम लोग बातें करेंगे, क्या क्या चीजें जिनके बारे में अच्छे से जानेंगे, ठीक है। एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, देखिए कल आप लोग की जो वीडियो थी वो टर्मिनेट हो गई थी, तो सेकंड पार्ट आया था। मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरा सेकंड पार्ट आप लोगों को देख लो अगर टाइम नहीं मिल रहा है, पर उसमें एक आर्टिकल है सर सैयद अहमद खाजी से रिलेटेड, ठीक है। तो वो वाला आर्टिकल जो मैंने डिस्कस किया है उसको जरूर देख लेना, क्योंकि हिस्ट्री और उसी के साथ में करंट का मिक्सचर है उस आर्टिकल के अंदर, ठीक है। तो जो दूसरा पार्ट आया था, क्योंकि पहला पार्ट तो काफी सारे बच्चों के द्वारा देखा गया, दूसरा पार्ट कम के द्वारा देखा गया है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं जरूर देखेगा जाकर, क्योंकि ये वाला आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। अभी रिसेंटली 100 साल पूरे हुए हैं अभी यहां पर जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो उसके पॉइंट ऑफ से भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये बेसिक मेरा रीजन है, तो उसको जाकर आप लोग जरूर देख लेना एक बार, ठीक है। बाकी सेकंड वीडियो के अंदर ही मैंने आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर भी बताया था आप लोगों को, जैसे कि यहां पर ये हो गया फिमिडीज, ठीक है। तो यहां पर लेक लोक तक के बारे में बात की थी मैंने आप लोगों से, तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर ही मैंने बता देते, तो वहां पर देख लेना, ठीक है। आज के कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पहले बताइए गायत्री मंत्र जो है वो कहां से लिया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछेंगे, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए जो आप लोग पेपर देकर आते हैं ना और फिर क्वेश्चन पेपर सेंड करते हैं, तो उन्हीं से पेपर उठा रहा हूं। कोई स्टेट पीसीएस का होता है, कोई यहां पर अलग अलग तरीके से जो भी एग्जाम होते हैं, तो यहां पर कोई यूपीएससी का पुराने क्वेश्चन पेपर हो गया तो अटेम्प्ट किया कीजिए, किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। दूसरा है राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में, आप लोगों से ईपीएफओ के अंदर भी क्वेश्चन बना था, डेट भी आप लोगों को बतानी है, ठीक है, किस डेट में यहां पर राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है। एक और छोटा सा क्वेश्चन यहां पर, ये अब की बार कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में, ठीक है। ये क्वेश्चन के आंसर मैं आप लोगों को आज नहीं दूंगा, कल आप लोगों को डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि आज एडिटोरियल काफी शानदार है, काफी कुछ डिस्कस करना है, ठीक है, तो इनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। तीनों क्वेश्चन के आंसर मैं आप लोगों को कल बताऊंगा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, हिस्ट्री का पोर्शन भी थोड़ा सा कवर कर दूंगा, यहां पर ऋग्वेद वगैरह ये सारी समझ में आ जाएगी, राष्ट्रीय एकता दिवस को और ये तीनों क्वेश्चन को, ठीक है, अटेम्प्ट कीजिए अच्छे से और क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश किया कीजिए, जितना भी आप लोगों को पता है उसी के बेस पर, ऐसा नहीं है कि माँ के पेट से कोई सीख कर आता है, अटेम्प्ट कीजिए यार, अटेम्प्ट करोगे तो अच्छे से चीजों को लंबे समय तक याद रख पाओगे, एक बार अटेम्प्ट कर लोगे तो, ठीक है। आइए सबसे पहले एडिटोरियल देखेंगे और फिर न्यूज एनालिसिस वाले पोर्शन पर हम लोग चलने वाले हैं, ठीक है। एक और छोटी सी बात, यार मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आज फिलहाल अभी जो है, जैसे अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, 19th of October हो गया, ठीक है, तो ये अभी सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया, तो ट्रांजिशन का जो फेज होता है ना, आप लोग खांसी, नजला, जुकाम काफी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, तो अभी फिलहाल अपना थोड़ा ध्यान रखिए, सर्दी के जो कपड़े हैं थोड़ा उनको यूज करना स्टार्ट कीजिए, और इसी के साथ में जो आप लोगों का एग्जाम रहता है ना, उस टाइम पर आप लोगों को और ज्यादा फोकस देना होता है, क्योंकि अगर एक बार बीमार हो गए तो ये समझना कि बहुत पीछे छूट जाओगे, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा हेल्थ के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी मैंने बताया यहाँ पर केरला के अंदर क्या चल रहा है, तो केरला के बारे में तो जानेंगे और भी जानेंगे कि लैंडस्लाइड से रिलेटेड कुछ जो चीजें हैं उसके बारे में समझेंगे, और कमिटी के बारे में भी जानेंगे, यहाँ पर दो कमिटी के बारे में मैं आप लोग कंपेयर बताऊंगा करके, उनको क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो काफी अच्छे से हम लोग इसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा, आर्टिकल को हर तरीके से जानने को मिलेगा। पाकिस्तान के बारे में, बेसिकली पाकिस्तान के एक पर्टिकुलर पर्सन थे जिनका नाम था AQ खान, ठीक है, तो यहाँ पर AQ खान जो थे इनके बारे में कई सारी बातें आप लोग को बताने वाला हूँ। ये कैसा इंसान है जिसके ऊपर काफी सारे आरोप लगे हुए हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी वजह से आज के डेट में न्यूक्लियर बॉम्ब आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो इसके बारे में कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी, तो समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। यहां पर ये वाला जो आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये वाला आर्टिकल एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल बोल सकते हैं, हमारी कंट्री की फॉरेन पॉलिसीज के बारे में बता रहा है, और यहां पर शैडो कैबिनेट क्या होता है और भी कई सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को जानने को मिलेंगे, तो काफी प्यारा आर्टिकल है। ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से नॉर्मली इंटरव्यू पूछ ले जाते हैं तो वो भी समझेंगे। कास्ट सेंसस के बारे में बात की जा रही है तो हम लोग कास्ट सेंसस को समझेंगे यहां पर, तो इसके बारे में बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स काफी सारे आर्टिकल के अंदर लिखे हुए हैं, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसको आप लोगों को समझने में काफी आसानी रहेंगे और अच्छे से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इंप्रूव हो रहा है हमारी कंट्री में लाइव स्टॉक और जो ब्रीडिंग यहां पर है, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे क्या क्या बातें हैं। यहां पर फिर से आप लोगों के सामने ये डेटा पॉइंट आया, डेटा पॉइंट जो यहाँ पर बेसिकली बात कर रहा है ये किसके बारे में, ये बात कर रहा है जो अभी रिसेंटली ग्लोबल हंगर इंडेक्स आप लोगों को देखने को मिला उसके बारे में। यहां पर आप लोगों को मैं एक बार दिखा देता हूं, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली यहां पर, ठीक है, एक सेकेंड,
ठीक है, ये पूरी पिक्चर आप लोगों के सामने यहाँ पर जो ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स है यहाँ पर, इसके बारे में आप लोगों से डिस्कस भी किया था। यहाँ पर अभी हमारी जो रैंक आप लोगों को अगर देखने को मिलेगी तो इसमें 101 हमारी रैंक निकल कर आई। ठीक है, 2011 में 122 थी, ठीक है सॉरी 2011 में 67 थी हमारी जो रैंक है, वो आप लोगों को देखने को मिलता है काफी नीचे गिर गई। अगर 2018 में बात करें तो सबसे नीचे थी हमारी 103, 19 में 102 थी, 2020 में थोड़ी सही हुई, पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर 101 हो गई है। तो इसके चलते कई सारे एरिया रहते हैं जैसे कि अंडर 5 मोर्टेलिटी, ठीक है अंडर नरिशमेंट पॉपुलेशन, ये इसी के साथ में वेस्टिंग और स्टेंटिंग, ये सारी चीजें मैंने कल भी डिस्कस की थी आप लोगों से, तो वही बातें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। तो हमारी कंट्री में कई सारे एरिया को यहां पर कवर किया गया कि वेस्टिंग कहां पर है, जैसे कि नागालैंड हो गया, आसाम हो गया, तेलंगाना हो गया, मिजोरम हो गया, केरला हो गया, तो ये वो एरिया है जहां पर आप लोग अगर आप लोग इनसे बिलोंग करते हैं तो इनके बारे में अगर कुछ लिखने के लिए आता है हेल्थ के बारे में तो आप लोग यहां पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, रिसेंटिंग के बारे में यहाँ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो था उसमें भी बातें की गई थी कि हमारी कंट्री में कैसे इसको लेकर चल रहे हैं और कैसे इसको कवर करना है, तो ये डेटा पॉइंट यहाँ पर बताया गया बेसिकली। तो ग्लोबल हंगर जो बेसिकली इंडेक्स है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ये आप लोगों को बताना है, मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था डिटेल में। ठीक है, तो इसी के साथ में बेसिकली ये जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। ओके, तो ये बातें यहाँ पर डिस्कस की गई है। ये साइड वाला जो आर्टिकल है मैं आप लोगों को यहीं पर इसके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू आप लोगों को देना चाहूंगा। बेसिकली इस वाले आर्टिकल में बताया गया कोविड 19 का जब यहां पर सेकंड अभी वेव आई उसके बाद में ये लग रहा था कि इकोनॉमी कैसे रिकवर करेगी, तो एक टर्म काफी यूज की गई है इसमें, एक तो है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स और यहां पर अगर एग्जाम में पूछ भी ले आप लोगों से टैक्स टेररिज्म, तो आप लोगों को यहां पर इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या होता है, जब कोई टैक्स जो होता है वो पीछे जाकर लगाया जाता है, यानी कि अगर कोई कंपनी हमारे देश में यहां पर मान लीजिए 2015 में आ गई, ठीक है तो 2015 में हमारे देश में कुछ रूल और रेगुलेशन थे, तो वो रूल रेगुलेशन को देखकर हमारी कंट्री में कोई कंपनी आ गई इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पर लेकिन उस कंपनी को कुछ लूप होल मिले हमारी कंट्री के एक्ट में और उसने उसको यूज किया। अभी 2021 में आकर गवर्नमेंट को लगा यार ये तो कंपनी लूप होल यूज कर रही है, तो ये क्या करे हमारी कंट्री गवर्नमेंट, ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा दे, यानी कि आज की डेट से टैक्स नहीं लगाना है, आगे आप लोगों को ये टैक्स पे करना है, ऐसा कुछ हो गया कि गलती से हमसे लो में कुछ दिक्कतें रह गई उसको इंप्रूव करने के लिए हम लोग फिर से यहां पर टैक्स लगा रहे, तो यहां पर ये लगाएंगे रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव 2015 से ही तुमको टैक्स देना है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया, मैं बोलने लगूं कि आज से आप लोगों को फीस देनी स्टार्ट करनी है और जिस दिन से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है उस दिन से अब तक की आप लोगों को फीस देनी है। ठीक है, तो ये वाली बात देखिए, तो एक तरीके से एक इंसान जो है वो इस तरीके से अगर लेकर चल रहा था कि यहां पर आज की डेट में टैक्स जो है वो काफी नॉर्मल तरीके का है और उसके बेस पर उसने आके इन्वेस्टमेंट किया, तो उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ में तो ये ज्यादा हो गए ना एक तरीके से, तो इसको टैक्स टेररिज्म की कैटेगरी में डाल देते हैं कई बार। ठीक है, कि एक तरीके से टेररिज्म फैलाना हो गया, तो आप लोग सामने वाले इंसान को बता कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, तो नॉर्मली होता ये इसलिए है कि जब कोई कंट्री के लॉ में अगर कोई दिक्कत रह जाती है, कोई लूप होल रह जाता है, उसको करेक्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है, और ऐसा नहीं हमारे ही देश में किया जाता है। ये टैक्स टेररिज्म का जो फंडा मतलब नॉर्मली इसको रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स बोलते हैं, टैक्स टेररिज्म इसका एक बिगड़ा हुआ रूप आप लोग बोल सकते हैं इसके शब्द का। ठीक है, तो यूके, यूएसए, नीदरलैंड, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, इटली, कई सारी कंट्री यहां पर इसको यूज करती है, ऐसा नहीं कि हमारे ही देश में हम लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बात की जा रही है कि इस चीज के ऊपर थोड़ा सा फोकस देकर चलना चाहिए कि कैसे इसको इंप्रूव करना है। ठीक है, क्योंकि अभी कोविड 19 के चलते कई सारी चीजें यहां पर बिगड़ी हुई थी, तो हमारे देश में कई सारे एरिया में अभी काम किए गए, जैसे कि इन्वेस्टमेंट किया गया काफी लार्ज स्केल पर, आत्मनिर्भर भारत अभियान हमारे देश में लाया गया। ठीक है, इसी के साथ में जो यहां पर पब्लिक जो यहां पर एक नहीं PLI की स्कीम लेकर आई गई। ठीक है, किस तरीके से किस तरीके के किस क्या क्या एरिया में हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसको बोला गया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसमें बोला गया कि एक तरीके का इंसेंटिव दिया जाएगा 4 से 6% का नॉर्मली, कि एक तरीके से अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि गुड्स मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम कर रहा है, ठीक है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम कर रहा है हमारे देश में, तो उससे क्या होगा हमारे देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लोग आकर यहाँ पर बेसिकली इन्वेस्टमेंट करेंगे कि हाँ यार यहाँ तो छूट देते हैं, इन्वेस्टमेंट देते हैं, वो छूट देते हैं, एक तरीके से इंसेंटिव देते हैं। आप लोग को ऐसे ही समझिए बिल्कुल जैसे आप लोग दुकान पर जाते हैं ना, दुकान पर आप लोग जाते हैं कोई प्रोडक्ट लेने तो सामने वाला टॉफी फ्री में दे दिया कि हाँ चलो बच्चा है खा ले। ठीक है, तो इस तरीके से तो वो वाली चीज देखने को मिलेगी, तो इससे क्या होता है इससे इंसान थोड़ा सा सहज फील करने लगता है, तो ये काफी एक अच्छा नेचर माना जाता है। अगर कोई प्रोडक्टिव चीजें आप लोगों ने देखा कई बार डिस्काउंट चलते रहते हैं, ठीक है, पर लेकिन डिस्काउंट में अगर आप लोग देखें वो ऐसा तो है नहीं कि फ्री में दे रहे हैं सारी चीजें, आपकी पॉकेट से ही बेसिकली चीजें निकाल ली जाती हैं। ओके, अभी कई सारे स्टेप उठाए गए जैसे कि एयर इंडिया हो गया, तो टाटा ने उसको लिया तो उसको प्राइवेटाइज कर दिया, तो गवर्नमेंट के द्वारा अब प्रोडक्टिव चीजों पर फोकस किया जाएगा, जैसे कि हेल्थ हो गया, ठीक है एजुकेशन हो गया, तो उन वाले एरिया में हम लोग फोकस देकर चलेंगे। इसी के साथ में बोला जाता है कि रूल ऑफ लॉ को ढंग से इंप्लीमेंट करके चलना चाहिए,
कि ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं से भी निकल के आ रहा है, ठीक है। तो एक प्रॉपर अगर ऐसा माहौल रहेगा तो तभी हम लोग रिकवर कर पाएंगे कोविड 19 का जो फेज अभी चल रहा था। और भी बहुत सारे एरिया है, जैसे कि आप लोगों ने देखा अभी यहां पर कि हाँ हमारी कंट्री में जो जो बैटरी वाली गाड़ी होती है, ठीक है, तो उसके ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो इसके चलते एक माहौल रहेगा तो ही इन्वेस्टमेंट होगा, और अच्छा माहौल इसलिए क्योंकि चाइना से भी सब लोग चिढ़ रहे हैं, तो हमारे देश में अगर ऐसी ऐसी हरकतें हम लोग नहीं करेंगे तो अच्छा इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस यहां पर ज्यादा है, ठीक है। तो ये बातें यहां पर बोली गई है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। अब यहां पर एक एक कर मैं आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस करूंगा काफी डिटेल में, जिसके बारे में कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है स्लिपरी स्लोप के बारे में। होता क्या है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा लैंडस्लाइड के बारे में देखा होगा, तो ये जनरल स्टडी फर्स्ट और सेकंड में ज्योग्राफी का और डिजास्टर का जो टॉपिक है आप लोग यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, वो एक तरीके से मैनेजमेंट वाला फंड यहाँ पर आ जाता है, तो कई सारी चीजें इसके ऊपर आर्टिकल भी था यहाँ पर, तो ये भी सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और मेन फोकस अभी किया जा रहा है केरला के ऊपर। केरला हमारी कंट्री में साउथ इंडिया में एक राज्य है जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु को टच करता है। अब यहाँ पर ये ऐसा नहीं कि केरला में ही लैंडस्लाइड वगैरह, ये आप लोगों को बाढ़ वगैरह, ये आप लोगों को यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, ये कई सारे एरिया में आप लोगों को दिक्कतें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि लैंडस्लाइड अगर पूछ ले क्या होता है, तो यहाँ पर रोक हो गया, डिब्री हो गया, अर्थ डाउन एक तरीके से फिसलना हो गया, ठीक है। ऐसे मान ली सड़क फिसल कर चली गई, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर, तो ये लैंडस्लाइड की कैटेगरी में आ गया। तो इस तरीके से कई बार क्या होता है, काफी लार्ज स्केल पर दिक्कतें देखने को मिलती हैं जब इस तरीके से मिट्टी खिसक जाती है। तो यहाँ पर इसके चलते अगर बात करें, कई बार फॉल हो जाना, टोपल हो जाना, स्लाइड हो जाना, स्प्रेड फ्लो, ये कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। नॉर्मली इनको क्या किया गया, इनको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसे जियोलॉजी हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गया, और ह्यूमन एक्टिविटी हो गया। ह्यूमन एक्टिविटी मतलब हमारे जैसे इंसानों की गंदी हरकतें, गंदी हरकतें मतलब जहां पर लगता है कि चट्टाने जो है वो काफी फर्जाइल है, यानी कि काफी वीक है, काफी कमजोर है, वहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, टनल बना रहे हैं, ठीक है, वहां पर भी हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। और फिर क्या होता है, फिर जैसे कि उत्तराखंड में त्रास दिया थी, वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो बात की जा रही है भूविज्ञान, आकृति विज्ञान और मानव गतिविधियां। तो ये तीन ऐसे एरिया हैं जो कि खतरनाक इंपैक्ट डालते हैं। तो जियोलॉजी जो होता है बेसिकली वो पर्टिकुलर जो एक तरीके से मटेरियल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताता है कि अर्थ कैसी है, रॉक कैसी है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि चट्टाने कैसी है, मिट्टी कैसी है, तो उनके बारे में बताता है। तो ये अलग अलग स्ट्रेंथ की आप लोगों को देखने को मिलेगी अगर हम लोग सबको एक जैसा मान ले, हाँ हर एक बच्चे की एक जैसी स्ट्रेंथ है, तो वो सही नहीं है ना। तो उसके बारे में पहले स्टडी करनी चाहिए, फिर देखना चाहिए यहाँ पर कि कोई खुदाई करनी है, कोई टनल बनाना है, कोई रोड बनानी है, तभी होना चाहिए ना, बांध बनाना है। पता चला उसके ऊपर बोझ इतना रख दिया आप लोगों ने, खिसक गया तो खिसक गया, दूसरों को भी लेकर खिसक गया। फिर वो मॉर्फोलॉजी आप लोगों को पता होना चाहिए कि आकृति कैसे है यहाँ पर, ठीक है, रिस्ट्रक्चर कैसे है यहाँ पर, तो एग्जाम्पल के तौर पर स्लोप कैसा है यहाँ पर, ठीक है, ड्रोथ कैसा है, फायर वगैरह लगती है, वनरेबल कैसी कंडीशन है यहाँ पर, तो उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में आप लोगों को एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है। और ह्यूमन एक्टिविटी तो मैंने बताई दिया, कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं दबाकर, ठीक है, फिर लैंडस्लाइड हो जाते हैं तो फिर बोलते हैं यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये वो हो गया जो आप लोगों ने किया, ऐसे थोड़े ना कुछ भी हो गया, तो आप लोग जो करोगे वही होगा ना। तो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया ऐसा नहीं है कि वही है, हिमालयन रीजन आप लोगों को सारा देखने को मिलेगा। हिमालयन रीजन में अगर मैं बात करूं कौन कौन से राज्य, आप लोगों को सारे नॉर्थ के जो आप लोगों को राज्य देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर उत्तराखंड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखिए, तो ये काफी बड़ा लैंडस्लाइड का एक पोर्शन रहता है यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलता है। वेस्टर्न घाट के बारे में बात करें तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा नीलगिरी तमिलनाडु में, कोंकण रेंज आप लोगों को लैंडस्लाइड से काफी ज्यादा ग्रसित पाई जाती है, ठीक है। जब ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बारे में बात करते हैं तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका आप लोगों से, तो इसके बारे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वेस्टर्न घाट में कौन कौन से राज्य आते हैं, गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, कर्नाटक आता है, केरल आता है और तमिलनाडु आता है। जी हाँ, तमिलनाडु का कुछ पोर्शन है यहाँ पर जो कि आप लोगों को वेस्टर्न घाट में देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन मेरा ये कि ईस्टर्न घाट में कौन कौन सा आता है अभी आप लोगों को बताना है, तो बताइए कमेंट बॉक्स में। और हाँ, देखिए कई सारे बच्चे बोल रहे हैं रेगुलर कि सर आंसर बता दिया करो, तो यार आंसर ना मैं आप लोगों को देखिए यहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है, पर फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि देखिए यहाँ पर सारे आंसर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, टेलीग्राम पर, ठीक है, बाकी का अगर फिर भी आप लोगों को लगता है टेलीग्राम पर कोई नहीं है, किसी को दिक्कत हो रही है टेलीग्राम ज्वाइन करने में, वैसे दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, 1,43,000 मेंबर देख लो आप लोग जुड़े हुए यहाँ पर, ठीक है। तो अगर फिर भी लग रहा है तो अगर कोई भी जो भी बच्चा जो आंसर दिया करेगा वीडियो आने के जस्ट एक घंटे के बाद में, ठीक है, तो उसके आंसर में इंक्लूड किया करूंगा, अच्छे आंसर आप लोगों को पोस्ट करने, ठीक है, ताकि प्रॉपर डिटेल के साथ में चीजें आप लोगों को देखने को मिले, या फिर उसका आंसर ही मैं कमेंट बॉक्स के नीचे पिन किया करूंगा, ठीक है, जो भी सबसे पहले अच्छा आंसर दिया करेगा, ठीक है। तो ये देखिए, देखता हूँ कौन कौन से आंसर देते हैं, तो अच्छे से आंसर दीजिए आप लोगों को वीडियो के नीचे भी पिन कर दिया करूंगा, ये तो सही है ना, आप तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा कर लेते हैं फिर, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर दो कमिटी यहाँ पर आई थी जिनके बारे में बहुत लंबे समय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक का नाम था यहाँ पर गडगिल रिपोर्ट और दूसरे का नाम था कस्तूरी रंगन रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट दो क्यों लाई गई, दो इसलिए लाई गई क्योंकि पहली रिपोर्ट जो आई थी गडगिल रिपोर्ट वो काफी एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गई थी। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि पूरा एंटायर जो वेस्टर्न घाट है उसको इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में डाल दो, ठीक है,
पर लेकिन सारी एक पूरे एरिया को इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में डाल देना तो ये बेसिकली एक अलग तरीके का काम हो जाता। तो ये बोला गया कि यहाँ पर कस्तूरी रंगन जो कमेटी थी उसने बोला नहीं ऐसा नहीं चल पाएगा, आप 37% जो एरिया है उसको यहाँ पर बेसिकली इस जो इको सेंसिटिव जोन में डाल दो कि आप लोगों वहां पर कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसमें बोला गया कि जो रिकमेंडेशन है यहाँ पर वो बॉटम अप अप्रोच लेकर चलनी है। कंजर्वेशन के इनके ग्राम सभा हो गया वो काफी क्रूशियल रोल यहाँ पर प्ले करेंगी, तो ये यहाँ पर बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग में बोला गया रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्राइमरली गवर्नमेंट की होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी की होनी चाहिए। यानी कि इसने बोला था कि ग्राम पंचायत वाले लेवल पर लोगों को लेकर चलो वो वाले काम करेंगे। गडगेल सामने पर इन्होंने बोला कि ग्राम पंचायत का क्या रहेगा यहाँ पर, कि नॉर्मली हरकतें किसकी वजह से हो रही है, गवर्नमेंट की वजह से हो रही है, तो गवर्नमेंट को रेस्पॉन्सिबिलिटी दो वो चीजों को सुधारेगी। ठीक है, तो ये इनके द्वारा यहाँ पर बोला गया। रिकमेंडेशन दी गई कि रिकॉग्नाइज करो 3 ग्रेड इंडियन के, जैसे कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को देखना कि कंप्लीट बैन लगा दिया वहां पर, तो एक तरीके से जोन वाइज डिवाइड आप लोग करना चाहिए कि ये जोन हो गया इसमें कंप्लीट बैन हो गया, थर्ड वाले में तो कोई इस तरीके से। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या हो गया यहाँ पर एक तरीके से कि एक मिनी इको सेंसिटिव जोन एरिया क्रिएट कर दिया कि डैम वाला एरिया हो गया, तो इस तरीके से एरिया को डिवाइड किया गया। इन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बेस पर परमिट किया कि कहां कहां पर इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया होना चाहिए, तो डिटेल स्टडी करो उसके बाद में रिकमेंडेशन दो। यानी कि ये कमेटी इसलिए लाई गई थी कि इस कमेटी ने काफी ज्यादा हाथ बांध दिए गवर्नमेंट के। ठीक है, तो ये कमेटी इसलिए लाई गई कि आप लोग थोड़ा सा रियायत तो दो यार, आपने तो बिल्कुल ही सारी चीजें ठप कर दी, ऐसे थोड़ा ना कि कोई बिल्कुल भी कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा ऐसे कैसे काम चलेगा, तो वो वाली चीजें थी। तो इसने थोड़ी सी रियायत दी, इसने 100% कवर किया, इसने बोला 37 कर लो यार। ठीक है, तो वो वाली बात थी। इसी के साथ में कॉन्स्टिट्यूट करने की बात की गई यहाँ पर बेसिकली जो वेस्टर्न घाट के अंदर इकोलॉजिकल ऑथोरिटी। ठीक है, ताकि इन चीजों पर फोकस किया जा सके, तो नाम दिया गया इसका वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल ऑथोरिटी, जो कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा वेस्टर्न घाट को। इसने बोला कि इसने यहाँ पर बोला कि स्ट्रेंथ किया जाए यहाँ पर जो कि करंट लीगल फ्रेमवर्क है। यानी कि ऑलरेडी जो हमारे पास में स्टेट के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या स्टेट की बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है उनको यूज करो ना, और नई ऑथोरिटी क्यों बना रहे हो, एक और ऑथोरिटी बनाकर सर पे रख दोगे, फिर उसको अलग से सारा काम दोगे, फिर वो सारे ऑलरेडी जो पावर हमारे पास में है तो उसको यूज करो ना। अभी एक वीडियो एक बच्चे के द्वारा सेंड की गई, उसमें दो बेसिकली एक दो कमेंट किए गए थे, एक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा किया गया, एक अरविंद केजरीवाल साहब के द्वारा किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कह रहे हैं कि एजुकेशन में प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेट करना चाहिए काफी लार्ज स्केल पर, तभी हम लोग अपने एजुकेशन सेक्टर को इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक है, अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि हमारे पास में 50,000 टीचर थे, हमने उन्हीं को यूज किया और उन्हीं को यूज करके हम लोगों ने अपना एजुकेशन सिस्टम को शानदार बना दिया काफी अच्छे लेवल पर। यानी कि कोई भी प्राइवेटाइजेशन का पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिला, तो खासकर यहाँ पर मतलब काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया गया एजुकेशन मॉडल जो है लिखा है। तो मैक्सिमम हमारी कंट्री प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो क्या कर रहे हैं, वो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो कई सारी कंट्री ऐसी है प्राइवेटाइजेशन के ऊपर फोकस करते हैं, तो हर एक चीज के कुछ फायदे कुछ नुकसान है। ठीक है, पर लेकिन मुझे पर्सनली अगर मैं अपना थॉट बताऊं, कम से कम एजुकेशन और इसी के साथ में हेल्थ दो ऐसी चीजें जो प्राइवेटाइजेशन से थोड़ी सी दूर रखनी चाहिए, क्योंकि यही ह्यूमन कैपिटल बनाती है। ह्यूमन कैपिटल मतलब इंसान को एक धन की तरीके से बनाती है। अगर कोई इंसान कल को अच्छी हेल्थ एजुकेशन लेकर अगर आगे चलकर वो इंप्लीमेंट करेगा तो देश के ही फायदा पहुंचेगा, देश की जीडीपी में पार्टिसिपेट करेगा। तो इसलिए इसके चलते गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। बाकी सारे जहाज रेल ट्रैक जो भी आप लोग कर रहे हैं वो जहां पर देना है दे दो, पर ये दो चीजें कम से कम गवर्नमेंट को अपने हिसाब से लेकर चलनी चाहिए। तो ये बातें यहां पर है, चलिए जो भी है वो तो अपनी जगह, पर लेकिन ह्यूमन कैपिटल के बारे में अगर कुछ लिखने के लिए आ जाए तो आप लोगों को माइंड में इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर कई सारी रिपोर्ट ऐसी आई जब यहां पर इनके द्वारा बताया गया कि यार ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करो, तो राइटर ये बोल रहे हैं कि मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ये जो रिपोर्ट आती है उनकी जो रिकमेंडेशन होती है उसको वो इग्नोर करती है, कोई भी इंप्लीमेंट नहीं करती। ठीक है, सारा बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ी रहती है। इतने लंबे समय से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई अभी भी फिलहाल। इवन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह कि IMD हमारी कंट्री में जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसके द्वारा काफी लंबे समय पहले हमको यहां पर बता दिया गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, ये अलर्ट जारी कर देता है कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, हैवी रेन होने वाली है, जब हैवी रेन होगी तो लैंडस्लाइड भी देखने को मिल सकती है, तो भाई साहब सतर्क हो जाओ। पर लेकिन कोई सतर्क ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है बोल दिया IMD ने, IMD बोलते रहता है, तो ये वही बात हो गई। मैं बोलता हूँ आप लोग आंसर लिख लो, आंसर लिख लो, हाँ ठीक है बोलते रहते हैं क्या, अरे कुछ वो समझ के ही बोल रहा हूँ ना, क्योंकि चीजें ऐसी हैं कि देखिए इंसान ना हमेशा ये सोचता है कि यार जो चीजें लाइफ में इंसान अगर कहीं से कुछ आ रहा है, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आप लोगों को बोलते हैं ये काम मत करना, तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ उनके द्वारा पास्ट में कुछ गलतियां की गई होती हैं, तो चाहते हैं कि मेरे बच्चे गलतियां ना करें। ठीक है, तो अगर कोई इस तरीके से कोई इंसान कोई एक्सपीरियंस वाला कुछ बातें बोल रहे हैं तो इसका मतलब यह कि वो कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है एक तरीके से, जो कि आप लोग गलतियां रिपीट ना करें, तो उनको आप लोगों को थोड़ा मानना चाहिए। तो ये सारी बातें चलिए जो भी है, बाकी आप लोग समझदार हो। तो ये मैंने पूरा आप लोगों इसके बारे में बता दिया लैंडस्लाइड के बारे में और क्या क्या चक्कर है। तो यहां पर ये दो कमेटी के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। ओके,
तो ये थी इसके बारे में, यहाँ पर किस किस एरिया में देखने को मिलती है और आप लोग इन एरिया से आते हैं अगर बिलोंग करते हैं तो थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल जो है यहाँ पर, ये न्यूक्लियर बेसिकली प्रोलिफेटर के बारे में बात की जा रही है। ये है यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी जिनका नाम है डॉक्टर कादिर खान, डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, ठीक है, ए क्यू खान के नाम से इनको जाने जाते हैं। ए क्यू खान जो है यहाँ पर, कुछ लोग इनको हीरो बोलते हैं और कुछ लोग इनको चोर बोलते हैं। अब चोर कौन बोलते हैं? चोर तो वो बोलते हैं जहां से ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चुरा कर लेकर आए। कहां से? ये होलैंड से, यहाँ पर यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी से, जो कि जर्मन और डच का ये यहाँ पर एक सर्विस थी, तो वहां से चुरा कर लेकर आए। इनके प्राइम मिनिस्टर साहब का मन था कि ये अपने देश में पटाखे फोड़े, तो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पर पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो, तो उनका मन था कि अपने देश से पटाखे फोड़े जाए, बेसिकली न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जाए। तो इन्होंने बोला जी हजूर चोरी करके लेकर आता हूँ, ठीक है, ऐसे थोड़े ना, हम तो ऐसे थोड़े ना पीछे रहेंगे इंडिया से, ठीक है। तो यहाँ पर चोरी करके लेकर आते, तो इन्होंने सही हाथ डाला और चोरी करी से, बिल्कुल जो ब्लूप्रिंट थे यहां पर कैसे बम वगैरह बनाना है, कैसे यूरेनियम को एनरिच करना है, और वहां से निकाल कर लेकर आइए। और इसी के साथ में अपने आप तो लेकर आए आए, दूसरों में बांटा भी, उसको पैसे कमाए उससे। तो इनके द्वारा यहाँ पर पाकिस्तान का एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है उसका एफर्ट के बारे में बात करें, उसको ज्वाइन भी किया गया। अगर बात करते हैं यहाँ पर डच, इनको थैप बोलते हैं, डच जो है बेसिकली वो बोलते हैं कि चोर थे यहाँ पर, और इनके द्वारा ये बेचा भी गया नॉर्थ कोरिया को, ईरान को और लीबिया को। तो ईरान और लीबिया तो यहाँ पर बना नहीं पाए, पर नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन जो है वो बनाकर ले गए अपना बॉम्ब, ठीक है। तो ये दिक्कतें देखने को मिली। तो यानी कि कई सारी कंट्री में रायता फैलाया हुआ इन्हीं का है आज की डेट में, अगर आप लोग इनको देखते हैं। रिसेंटली इस इंसान की अभी डेथ हो गई है, तो उसी के चलते ये आर्टिकल आप लोगों के सामने देखने को मिल रहे हैं। तो उसी के चलते राइटर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बातें बता रहे हैं। राइटर ये बोल रहे हैं कि ये जो इंसान ने जो यहां पर रायता फैलाया था ना, ये रायता तो फैला के चला गया, पर लेकिन बहुत बड़ा रोल यहां पर यूएसए का भी है। यूएसए चाहता तो यहां पर इसको कंट्रोल कर सकता था, पर लेकिन यूएसए ने यहां पर कंट्रोल नहीं किया, ठीक है, एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो काफी सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिली, तो ये इसके बारे में कुछ बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अब्दुल कादिर खान जो है पाकिस्तान में, रिसेंटली अभी इसके डेथ हो गई, तो पाकिस्तान के द्वारा यहां पर जो न्यूक्लियर वेपन बनाए गए हैं उसमें इनका पूरा रोल है, पूरा हाथ इन्हीं का है। तो यहां पर इसलिए पाकिस्तान इनको फादर ऑफ द कंट्रीज एटम बूम बोलता है, न्यूक्लियर हीरो के नाम से भी इनको पाकिस्तान के अंदर जाना जाता है, ठीक है। बाकी मैंने बताया इसको चोर बोलते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के जो कंट्री है कि चुरा के लेके गया। और बाकी 1998 में पाकिस्तान के द्वारा कंडक्ट किया गया फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, इसके चलते यहां पर इनको निशाने इम्तियाज यानी कि जो ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस है, पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो भी यहां पर इनको मिलेगा ही, जब यहां पर चोरी का माल लाकर बांटा जाएगा और फिर पैसा भी रहेगा, जीडीपी भी बढ़ेगी, तो इतना तो बनता है। चलिए ये तो हो गया चोरी का माल, अब बात करते हैं मेहनत के माल के बारे में। मेहनत का माल होता है ये। 1974 में हमारे द्वारा स्माइलिंग बुद्धा प्रोजेक्ट लाया गया यहां पर, तो इसमें फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया गया पोखरण राजस्थान के अंदर, कोड नेम था इसका स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। सेकंड एक्सपेरिमेंट किया गया 1998 में, तो यहां पर ऑपरेशन शक्ति था इसका नाम, जो यहां पर पोखरण में हमारे द्वारा यहां पर ये ऑपरेशन चलाया गया। तो हमारी पॉलिसी, हम लोग के रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो कैसे, पहले तो ये हम लोगों ने अपने बूते पर, अपने बल पर यहां पर न्यूक्लियर जो एक्सपेरिमेंट कर अपने बॉम्ब बनाए, कहीं से चोरी कर नहीं लाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये कि 2003 में न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन हम लोगों ने बेसिकली अपनी बनाई कि नो फर्स्ट यूज, कि हम लोग देखिए एक ऐसे रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है कि हम लोग किसी के भी खिलाफ पहली बार में हम लोग यूज नहीं करेंगे, यानी कि अगर किसी ने हमारे ऊपर बॉम्ब फोड़ दिया तो देखिए फिर हमारी मजबूरी है, हमें फोड़ना पड़ेगा, ठीक है। पर लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा है कि हमारे ऊपर बॉम्ब नहीं फोड़ेगा तो उसके ऊपर हम कभी बॉम्ब नहीं फोड़ेंगे, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये बोलेगी उसके ऊपर तो कभी भी नहीं फोड़ेंगे जिसके पास में बॉम्ब ही नहीं है, वो तो एकदम दिख गया ना, हम लोगों ने बोल दिया नो फर्स्ट यूज, जिसके पास में है नहीं वो हमारे ऊपर फेंकेगा नहीं कोई भी बम, जब फेंकेगा नहीं तो हम उसको रिटेलिएट नहीं करेंगे, तो वही बात होगी कि उसके ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं फेंकेंगे जिसके पास नहीं है, हाँ जिसके पास है उसने फेंक दिया तो फिर उसको छोड़ेंगे नहीं, तो ये वाली बात है। तो टोटल मिलाकर 156 के करीब न्यूक्लियर जो है हमारे पास में, जो बेसिकली जो इक्विपमेंट देखने को मिलता है, और पाकिस्तान में हमसे ज्यादा ही है, ठीक है, 165 के करीब है। तो अगर बात करें पाकिस्तान में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है नो फर्स्ट यूज, उनको पता ही नहीं है, बार बार कई बार ऐसे बोल देते हैं कि हमारे पास में, हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास में ना न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब का बटन है, वो दबा देगा, उसको दबा के तो देख, तो एक बार पता चलेगा फिर कैसे दबाया जाता है। तो इंडिया का थल ऐसे है कि मतलब तो हमको पीटेंगे, हम पीटते रहेंगे सर, हम ऐसे नहीं भैया, ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है। ये आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में यहां से चीजें पूछी जा सकती है, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, फ्रांस, यूके, पाकिस्तान, इंडिया, इसराइल और नॉर्थ कोरिया। तो टोटल 9 कंट्री है जिनके बारे में आप लोगों को याद रखना है, क्वेश्चन इनसे पूछ लिया जाता है। और याद क्या रखना है, कई बार तो बता चुका हूं इनको, नैनो मैगजीन में मैंने डिस्कस किया था और यहां पर भी मैंने आप लोगों को बता दिया, तो आप लोगों को ये चीजें लंबे समय तक वैसे याद रहने लगेगी, ठीक है। देखिए अगर दोनों वीडियो आप लोग ये देखकर चलते हैं ना,
तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, इतनी सारी चीजें तो मैं खुद ही रिवाइज करा दूंगा आप लोगों को, कभी कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें करंट प्लस स्टैटिक पोर्शन दोनों आप लोगों का कवर हो जाते हैं, तो दोनों वीडियो को लाइफ का पार्ट बना लीजिए। लगभग आप लोगों का 1.5 घंटा लेता हूं मैं इसमें, और करंट प्लस स्टैटिक पोर्शन इतना सारा कवर करा देता हूं। इवन अगर आप लोग यूनिवर्सिटी के एग्जाम दे रहे हैं, इवन अगर आप लोग इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी के साथ में डिबेट डिस्कशन कर रहे हैं, आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आप लोग ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, आप लोग प्रीलिम्स के पेपर देने जा रहे हैं, मतलब चारों तरीके से कोई दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। थोड़ा सा आप लोग एफर्ट लगाइए इसके ऊपर कि दोनों वीडियो आप लोग लाइफ का पार्ट बना लीजिए और यहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अब यहां पर पूरा मुद्दा चल रहा है एनरिचमेंट के बारे में, यूरेनियम को एनरिच करना है। तो यूरेनियम को एनरिच करना बेसिकली ये क्या चक्कर है, तो देखिए नॉर्मली नेचुरल जो यूरेनियम है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा 0.7, जो यूरेनियम 35 के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो यहां पर ये बिल्कुल ऐसा रहता है, नॉर्मल रहता है। ठीक है, फिर यहां पर इसको क्या कहते हैं, लो एनरिच कहते हैं। तो सबसे ज्यादा एफर्ट जो लगता है, ये जो 5% इसको एनरिच करने में लगता है, ये लगभग 85% पावर लग जाती है इसमें। ठीक है, फिर आगे जब लेकर चलते हैं, फिर 20% अगर इसमें करना है इसको, तो फिर लगभग 8% बेसिकली ताकत लगती है। फिर यहां पर इसको जब लेकर जाते हैं 90% तक, तो ओनली 8% ताकत लगती है। यानी कि बिल्कुल ऐसे ऐसे गाड़ी चलानी होती है ना, आप लोग धक्का मारना है किसी चीज को, तो चलाना है धक्का मार जो चलता है काम, तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में आप लोगों को ताकत लगती है, फिर वो चलने लगता है। ठीक है, ये क्या होता है बेसिकली, वो एक तरीके से आराम से फिर आगे बढ़ता रहेगा। तो वही फंडा यहां पर यूरेनियम एनरिचमेंट का है। तो यहां पर जैसे ही ये वाली कैटेगरी में आ जाएगा, 90% आप लोगों ने एनरिच कर दिया, तो ये आप लोग बोम बना सकते हैं। ठीक है, वरना इससे पहले आप लोग बोम नहीं बना पाएंगे। तो ये कंडीशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये इस लेवल पर जब पहुंचने लगता है, तो तब यहां पर बोलने लगते हैं कि दिक्कतें हैं। ईरान ने क्या किया, ईरान यहां तक पहुंच गया। ठीक है, यूरेनियम 35 को लेकर इतना एनरिच उसने कर लिया, तो ईरान न्यूक्लियर डील आ गई सामने उसको रोकने के लिए। तो इसलिए मैंने अभी यहां पर बोला कि उसने बांटा तो कई देश में था, पर लेकिन बना पाया कौन, बना पाया ओनली नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। ठीक है, तो ये है यहां पर बेसिकली, वरना और यहां पर नहीं बना पाए। तो इसके चलते इसके बारे में याद रखिएगा, ये जो डेटा है ये सिप्री के द्वारा तैयार किया जाता है। अब सिप्री की फुल फॉर्म क्या है और वो बेसिकली लोकेटेड कहां पर है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां पर 1965 में जो यहां पर नैम है, ठीक है, नॉन अलाइंग मूवमेंट बोलते हैं, ये बेसिकली एक ग्रुप बनाया गया था कि ना तो हमको यूएसए के साथ में जाना है, ना यूएसएसआर के साथ में जाना है, इंडिपेंडेंटली काम करना है। तो उस टाइम पर यूएन डिसआर्ममेंट कमीशन के थ्रू यहां पर ये बनाया गया। तो यहां पर इनके द्वारा बोला गया, नोट टू ट्रांसफर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू अदर, किसी को ट्रांसफर नहीं करनी है वरना दुनिया बॉम्ब बनाकर अपनी पॉकेट में लेकर घूमेगी। ठीक है, इसी के साथ में बोला गया, नो यूज न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट द नॉन न्यूक्लियर कंट्री, जो कि हमारा नो फर्स्ट यूज हुई वाली बातें बोली गई। ठीक है, यूएन के द्वारा बोला गया कवर नॉन न्यूक्लियर स्टेट, तो एक तरीके से यूनाइटेड सिक्योरिटी जो कवर देगी नॉन न्यूक्लियर स्टेट को। और इसी के साथ में यहां पर जो न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट है, ठीक है, बैन करना न्यूक्लियर टेस्ट, तो इसके ऊपर फोकस किया जाए ताकि शांति प्रिय एक कंट्री हम लोग, एक दुनिया हम लोग बना सके। ठीक है, तो ऐसा यहां पर बेसिकली होना चाहिए। तो ये बातें यहां पर बताई गई। तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, अब्दुल कादिर कौन था, ये सब चीजें क्या थी, तो ये सारी चीजें यहां पर आप लोगों को मैंने बता दी। और बेसिकली आर्टिकल में वही सारी बातें बताई गई कि नॉर्थ कोरिया के पास में इस इंसान ने पहुंच दिया, यूएसए चाहता तो यहां पर इसको रोक सकता था, कहीं ना कहीं प्रेशर बना सकता था, पर लेकिन यूएसए ने भी कोई ऐसा फोकस दिया नहीं। ठीक है, जिसकी वजह से काफी हद तक ये चीजें जो थी वो बढ़ती चली गई। ओके, तो यहां पर आज के डेट में एक इरेस्पॉन्सिबल पर्सन के हाथ में एक न्यूक्लियर बॉम्ब है, एक नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान, तो इसके ऊपर कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है कई सारी चीजों को। तो ये बेसिक चीजें होगी इसके बारे में। ठीक है, तो ये था यहां पर आर्टिकल। अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलता हूं। ये जो आर्टिकल है यहां पर, ये इंटरेस्टिंग आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। बेसिकली हमारी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ लिए आते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन अगर एग्जाम में बन जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इस आर्टिकल में सबसे पहले एक शब्द यूज किया गया यहां पर, अभी शैडो कैबिनेट। ठीक है, तो शैडो कैबिनेट में आप लोगों को समझाता हूं, पहले ये आप लोगों से पूछ भी लिया है। शैडो कैबिनेट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आज के डेट में कोई पर्टिकुलर पावर, एक है ए नाम की कोई गवर्नमेंट, ठीक है, अब यहां पर अपोजिशन में बैठा है कोई बी नाम का पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, तो जैसे यहां पर अगर बोले तो यहां पर ए, जैसे आप लोग उदाहरण के तौर पर समझने के लिए बीजेपी ले लीजिए। ठीक है, यहां पर बीजेपी हो गया जो कि पावर में है, यहां पर हो गया कांग्रेस जो कि पावर में नहीं है। अब बीजेपी में प्राइम मिनिस्टर कौन है, यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। अगर यहां पर कांग्रेस में बोले कि हाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो राहुल गांधी जी है। ठीक है, यहां पर होम मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्टर यहां पर हो गए वो हो गए अमित शाह जी, तो यहां पर बोलेगी होम मिनिस्टर यहां पर हमारे हो गए मनमोहन सिंह जी। ठीक है, इस तरीके से अगर पैटर्न बनाकर यहां पर चला जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक तरीके से, यानी कि प्राइम मिनिस्टर क्या क्या गलतियां कर रहे हैं राहुल गांधी जी को बैठा दे पकड़ने के लिए। ठीक है, होम मिनिस्टर क्या क्या गलती कर रहे हैं यहां पर मनमोहन सिंह जी को बैठा दे कि उनको देखो क्या गलती कर रहे हैं। तो यानी कि एक तरीके से शैडो में गवर्नमेंट चलाने लगे कि हाँ हर एक मिनिस्ट्री के लिए एक एक मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि कल को चलकर आप ही अगर हम लोग पावर में आएंगे तो आपके पास में ही ये पोस्ट रहेगी। तो इसको कहते हैं शैडो कैबिनेट, यानी कि ऑलरेडी एक
एक तरीके से अपोजिशन वालों ने भी अपना पूरा कैबिनेट तैयार कर रखा है, पूरी गवर्नमेंट तैयार कर रखी है, रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाना कहते हैं इसको, यानी कि हर एक पर्सन जो है वो डेडिकेटेड है पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के लिए। और ये वेस्टर्न वर्ल्ड में आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेगा ये कॉन्सेप्ट, यानी कि वो शैडो कैबिनेट अपना तैयार कर लेते हैं कि हाँ इस इंसान के लिए ये इंसान रख दिया हम लोगों ने, तो इससे क्या होता है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है अपोजिशन की भी, तो वो चीजें देखने को मिलेगी। तो यहां पर राइटर जो है अभी बोल रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी जो है अगर आप लोग देखकर चले, पहली बार हमारे देश में एक ऐसा डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया गया एक सही तरीके से। नॉर्मली अपोजिशन क्या करती है, अपोज करने का काम करती है, ठीक है, प्रॉपर वे में एक बैलेंस बनाना काफी ज्यादा जरूरी है, शैडो कैबिनेट उसमें काम करेगा और इसी को डेमोक्रेसी बोलते हैं। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जो है वो ऐसी ताकतवर होगी या अपोजिशन कुछ मान ही नहीं रही है, तो अपोजिशन होगी तभी गवर्नमेंट जो है वो सही डायरेक्शन में चलेगी और यही डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब जनता का रूल, तभी जनता का रूल फॉलो हो पाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों का देखने को मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है फॉरेन पॉलिसी के बारे में, तो यहां पर एक पर्टिकुलर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसको बोलते हैं इंडियाज पाथ टू पावर स्ट्रेटजी इन द वर्ल्ड ड्रिफ्ट, ठीक है। तो यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये पहली बार ऐसा हमारे देश में हो रहा है कि एक इस तरीके की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसमें गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसको कंप्लीटली क्रिटिसाइज करते हुए और जहां जहां पर अच्छा है वहां पर उसकी बढ़ाई भी करते हुए चीजों को एक ढंग से एक बैलेंस प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। नॉर्मली हमारी कंट्री में देखो तो ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती थी, पर शैडो कैबिनेट का काम करने की कोशिश की जा रही है इस रिपोर्ट के द्वारा। तो अपोजिशन भी नॉर्मली गवर्नमेंट को चैलेंज तो करती थी, गवर्नमेंट ये अच्छा नहीं कर रही, वो अच्छा नहीं कर रही, पर लेकिन रियलिटी में अगर पूछा जाए अपोजिशन से कि भाई साहब ये तो बता दो वो अच्छा नहीं कर रही तो तुम क्या करोगे, तो चुप हो जाते थे। तो यानी कि अगर किसी को क्रिटिसाइज करें तो यूपीएससी भी बोलता है कि जब आप लोग कंक्लूजन करो आप लोग वहां पर बताओ तो सही एक तरीके से कि क्या सही है क्या गलत है, आप लोग जब बॉडी लिखो बताओ तो सही कि एक तरीके से ये चीजें हैं कि आप लोग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है कि आप लोग बोलो मुझे कि सर आप में ये गलती है, ठीक है, तो मैं बोलूं ठीक है यार ये गलतियां, अब ये भी बता दो यार सुधारनी कैसे है, आपने गलती तो देख ली कि सर इसको ऐसे सुधार लो, ठीक है, तो ये वाली चीजें होती हैं। तो कहने का मतलब है कि सामने वाले को गलती बताई तो उसको ये बताओ कि इसको सुधारना कैसे है। तो ये होता है बेसिकली रेस्पॉन्सिबल अपोजिशन का काम। तो अभी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसमें कई सारी बातें बताई गई है। फिलहाल रिसेंटली अभी जो डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पर ये निकल कर आया सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की साइड से, ठीक है, जिसके द्वारा यहाँ पर कई सारी बातें बताई गई कि हमारा पाथ जो कैसे होना चाहिए। तो कई सारे मुद्दों पर इनके द्वारा फोकस किए गए हैं, तो कुछ मुद्दे मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह कि हमारा पावर की ओर को पाथ अगर चलना है तो उसके चलते ये रिकमेंडेशन है यहाँ पर कि एक तरीके से स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी के नीचे पड़े हुए हैं कि वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, यूएसए के प्रेशर में काम करें, नहीं, अपना ओपननेस होना चाहिए और इंक्लूसिव जो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ को साथ में लेकर चलना है। तो इसके चलते कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात बोलिएगा कि शिफ्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। फिलहाल अभी क्या हो रहा है, चाइना बढ़ रहा है, ठीक है, चाइना बढ़ रहा है और इंडिया भी बढ़ रहा है, ठीक है, डिक्लाइन हो रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड का, यानी कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है जो यूएसए हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, एक टाइम पर ऐसा होता था कि उनकी हेजेमनी हुआ करती थी, यानी कि ये जो वर्ल्ड है ना, जैसे कि ये वाला, इसको बोलते थे कि यही है बस दुनिया में, ठीक है, बाकी के इनको कुछ मानते नहीं थे और इन्होंने क्या कर लिया, मार्केट बना लिया इनको, यानी कि प्रोडक्ट बनाए अपने यहां पर और यहां पर बेचने लगे ले जा ले जाकर। तो जैसे अंग्रेजों के टाइम पर नहीं रॉ मटेरियल निकाल के ले जाते थे और यहां पर लाकर फिर माल बेचते थे, तो उसको कॉलोनी बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है, कि आप लोगों ने कॉलोनी बना रखी थी, तो एक मॉडर्न कॉलोनी बना ली उन्होंने, पर लेकिन अब इनका पत्ता उल्टा पड़ गया, जब ये कंट्री मैन्युफैक्चरिंग हब बन गई चाइना, तो यहां पर अभी अपना प्रोडक्ट बेचने लगे तो इनको दिक्कतें होने लगी, मिर्ची लगने लगी, अब इनको सारी ऑर्गेनाइजेशन बुरी लगने लगी, जैसे डब्ल्यूटीओ हो गया, बोलता है डब्ल्यूटीओ अच्छे से काम नहीं कर रहा, हाँ जब तक तुमको फायदा पहुंचा रहा है तब तक तो अच्छे से काम कर रहा है, और जब तुमको फायदा नहीं पहुंचा रहा तो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तुम्हारा कुत्ता टोमी और हमारा कुत्ता कुत्ता, ठीक है, तो वो वाली बात यहां पर देखने को मिली। तो कई सारे ऐसे मुद्दे यहां पर, तो अभी जो क्रिटिसाइज यहां पर कर रहे हैं राइटर, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बोले कि अगर अपने पड़ोसी देशों के साथ में देखें ना, रिलेशन जैसे होने चाहिए थे गवर्नमेंट के वैसे नहीं है, ठीक है, जैसे पाकिस्तान के साथ में अब की सबसे वर्स्ट फॉर्म के रिलेशन चल रहे हैं, चाइना की तो गंदी हरकतें हैं, चाइना को तो अपनी खुद की जो हरकतें चल रही हैं तो उसकी वैसे देखने को मिलेगा, पर इंटरनली भी हम लोगों ने जिस तरीके से आर्टिकल 370 हटाया, आर्टिकल इसी के साथ में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए, तो इसकी वजह से हमारी कंट्री की जो इमेज है इंटरनेशनल लेवल पर कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर क्या चल रहा है उसको खराब हो रही है हमारी इमेज, ठीक है, तो इसके चलते हमारे को एक तरीके से देखना पड़ेगा, अगर हमारी इमेज ऐसी बनती जा रही है तो इसका मतलब हम लोग एक लीडर की एक तरीके से कैसे निकल कर आएंगे फिर सामने, ठीक है, तो वो होना चाहिए। एक बात करते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड के बारे में, यानी कि एक तरीके से आज की डेट में एशिया और चाहे वर्ल्ड मल्टीपोलर होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि यूएसए पूरी दुनिया को चला रहा है, रशिया चला रहा है या फिर चाइना चला रहा है, तो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए, मेंटेन करने स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी। यहां पर मैंने बोला ना अभी यूएसए जापान यूरोपियन यूनियन इंडिया रशिया किसी के साथ में रिलेशन बना लो, पर एक ऑटोनॉमी रखनी चाहिए, जैसे चाइना और यूएसए आपस में लड़ रहे हैं, तो राइटर यहां पर ये बोले कि इंडिया और चाइना और यूएसए का जो रिलेशन है यहां पर ये काफी एक टाइट रिलेशन है, हमको दोनों के साथ में इंडिविजुअली अपने रिलेशन बनाना चाहिए, क्योंकि चाइना को छोड़ के तो जा नहीं सकते, पड़ोसी है भाई साहब, पूरा बॉर्डर टच कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कि हम लोग
लोग बोल देंगे चलो कहीं और जाकर अपना घर बना लेते हैं, यहां तो सही नहीं है। तो इसलिए हम लोग को बैलेंस बनाकर यहां पर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है, तो इसके ऊपर हम लोग को फोकस देकर चलना पड़ेगा। पता है चाइना जो हरकतें कर रहे हैं, तो चाइना के साथ में इंगेज भी रखना है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर बोलेगी, चाइना के साथ में इंगेज भी रखना है और चाइना के साथ में कॉम्पिटिशन भी करना है, तो दोनों तरीके से लेकर चलना पड़ेगा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर, जिसके ऊपर हम लोग फोकस देकर चल सकते हैं। और पाकिस्तान के साथ में इतने बुरे रिलेशन जो फिलहाल अभी हो गए हैं, और पाकिस्तान जो है वो हमारी कंट्री के साथ में काफी बड़ा बॉर्डर भी टच करता है, तो अगर हम लोग पाकिस्तान के साथ में रिलेशन को इंप्रूव करते हैं तो बॉर्डर एरिया के जो राज्य है काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और यहां पर जो लद्दाख वाला रीजन हो गया, याद रखेगा लद्दाख वाला रीजन टच करता है यहां पर अफगानिस्तान को, कंफ्यूज मत हो जाना। पहले जम्मू एंड कश्मीर इसको बोलते थे, अब लद्दाख वाला पोर्शन ये डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो इसको जरूर याद रखेगा आप लोग। तो ये इस तरीके से यहां पर बताने की कोशिश करें कि यार आप लोगों ने एक बैलेंस बनाकर चलना चाहिए चीजों के अंदर, ठीक है। और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आप लोगों के पास होनी चाहिए, इसी के साथ में ग्लोबलाइजेशन को आगे लेकर चलो, ठीक है। टेक्निकल एडवांसमेंट होना चाहिए। बात की जा रही है कि नेबरहुड फर्स्ट वाली पॉलिसी में हम लोग को चाइनीज को कैसे डील करना है, ये हम लोग को आना चाहिए, क्योंकि चाइना की गंदी हरकतें बार बार हम लोग को नुकसान पहुंचाकर जाती है। तो हम लोग को समझना चाहिए कैसे उसको टैकल करना है, प्रिवेंट करना है डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स अफेक्ट करती है फॉरेन पॉलिटिक्स। जैसे मैंने बताया था ना, एक टाइम पर ऐसा होता है यहां पर कई बार, जैसे बांग्लादेश के साथ में रिलेशन की हमारी बात आती है, तो यहां पर कहीं ना कहीं दिक्कतें देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं आप लोगों को दिक्कतें देखने को मिलेगी वेस्ट बंगाल के साथ में, क्योंकि कई सारे से तीस्ता वाटर डिस्प्यूट हो गया, ठीक है। तो तीस्ता जो रिवर है उसकी वजह से यहां पर बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन कई बार बातों में आते हैं, तो यहां पर वेस्ट बंगाल की वजह से दिक्कत देखने को मिलती थी। तमिलनाडु के साथ में श्रीलंका, जब यहां पर श्रीलंका के साथ में रिलेशन की बात करते हैं तो तमिल कम्युनिटी का इशू आ जाता है, तो कई बार हमारे इंटरनल इशू जो है हमारे एक्सटर्नल इशू पर दिक्कतें पड़ाने लगते हैं, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट को लेकर भी यहां पर कई सारी कंट्री के साथ में हमारे रिलेशन जो थे उसको बेसिकली बांग्लादेश ने बोला कि क्या कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने बोला कोई नहीं, इंटरनल इशू है, बात में मतलब एक मिनिस्टर कुछ बोल रहा है दूसरा मिनिस्टर कुछ बोल रहा है, तो उसके चलते काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हमारा देखने को मिला। तो कई सारे ऐसे मुद्दे सामने निकल कर आए जिनके ऊपर हम लोग को बेसिकली बात करने की बात की गई, क्या कैसे इनको सुधार के लेके चलना है, ठीक है। तो ये बातें थी यहां पर। तो अभी यहां पर अगर बात करें तो देखिए जो जो भी कंट्री आसपास में उनके साथ में हम लोग को नॉर्मल रिलेशन कैसे बनाने, रशिया को भी साथ में लेकर चलना है, चाइना को भी चलना है, यूएसए को भी साथ में लेकर चलना है, जापान को भी चलना है। तो हम लोगों की पॉलिसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि एक तरीके से कि उनके आपस में अगर कोई रिलेशन बिगड़े हुए तो उसमें तो हम लोग को टांग अपनी नहीं उड़ानी है, हम लोग को अपना फायदा यहां पर देखकर चलना है और ज्यादा से ज्यादा कंट्री के साथ में बेटर रिलेशन होने चाहिए, ठीक है। एक बार को नेपाल के साथ में काफी बुरे रिलेशन हो गए, हालांकि अब थोड़े इंप्रूव कर लिए गए, तो वाली चीज देखने को मिलेगी। और तो बोला यह गया सीधे सीधा कि इंटरनली भी चीजें अच्छे से हम लोग को लेकर चलनी है। और बाकी डिफेंस के बारे में कुछ बात की गई, जैसे कि न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन होगी, स्पेस जो साइबर स्पेस क्राइसिस हो गया, ठीक है, इकोलॉजिकल क्राइसिस हो गया, तो ये भी कुछ बातें इस रिपोर्ट में बोली गई है ताकि चीजों को इंप्रूव किया जा सके, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि पहली बार इस तरीके का एक पैटर्न दिखाने की कोशिश की गई कि गवर्नमेंट को रास्ता दिखाया जा रहा है एक पर्टिकुलर सजेशन के साथ में, ऐसा नहीं कि हवा में बातें कर रहे हैं भाई साहब। तो ये मुद्दा है यहां पर, ये ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो नेक्स्ट आर्टिकल यहां पर आप लोगों के सामने है, बेसिकली ये नोबेल प्राइज से रिलेटेड है, मतलब वो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा नोबेल प्राइज जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड में आप लोगों को सारे देखने को मिलते हैं, यूएसए का हो गया, यूएसए का हो गया नॉर्मली अगर देखा जाए तो, या फिर इटली हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, यूके हो गया, तो वहां के सारे लोग आप लोगों के सामने निकल कर आते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से उसको क्रिटिसाइज किया गया, तो वो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगी नहीं चीजें, ठीक है। आप लोगों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर अभी कितने लोगों को यहां पर बेसिकली नोबेल प्राइज मिले, मैंने आप लोगों को यहां पर ये स्लाइड बोला था कि इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, तो आप लोगों को टोटल मिलाकर यहां पर 13 लोग देखने को मिलेंगे, 4, 8, 12 और 1, 13, ठीक है। तो यहां पर जो पीस प्राइज था ये दिमित्री मुरतोव और इसी के साथ में यहां पर मैरिया रिजा, ठीक है, तो इनको दिया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे जो कि रशिया के थे, व्लादिमीर पुतिन के सामने जाकर खड़े हो गए, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इनके द्वारा भी यहां पर स्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाकर बात करी। लिटरेचर में अब्दुल जो यहां पर बेसिकली अब्दुल रजाक गुना, इनका नाम जरूर याद रखेगा, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो अपना देश छोड़कर यूके के अंदर गए और यूके के अंदर जाकर पढ़ाई करना, रिफ्यूजी होकर फिर नोबेल प्राइज जीतना, समझ रहे हैं आप लोग कितना एक टफ काम यहां पर बेसिकली है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एड्रम पेटापोइन, ठीक है, ये यहां पर इनको बेसिकली मेडिसिन जो यहां पर फिजियोलॉजी के अंदर दिया गया, डेविड जूलियस को भी इसी के अंदर दिया गया, ठीक है। को यहां पर बात की जा रही है क्लोज हेल्समैन को, इनको फिजिक्स के अंदर, इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है जोरियो पेरसिस, ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा ये फिजिक्स के अंदर में। यहां पर है शुक्रो मनाबे, तो इनको फिजिक्स के अंदर दिया गया। इकोनॉमी के अंदर यहां पर दिया गया गोडियो एम्बियंस और इसी के साथ में डेविड कार्ड, तो इसी के साथ में यहां पर जोस एंग्रिस, ठीक है, तो यहां पर इनको इकोनॉमिक्स के अंदर दिया गया। बेंजामिन लिस्ट जो है और यहां पर डेविड मैकलन, इनको केमिस्ट्री के अंदर दिया गया। तो ये टोटल 13 पर्सनैलिटी है, ठीक है, तो 13 पर्सनैलिटी को यहां पर नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल प्राइज के बारे में याद रखेगा स्वीडिश पर्सनैलिटी थे यहां पर जिनके द्वारा डायनामिट बनाया गया,
तो उनकी डेथ हो गई 1896 में। उनके द्वारा बोला गया था कि हाँ यार ऐसा कुछ करना है कि मेरी विल के हिसाब से यहाँ पर ये जो पैसा होगा ये 5 नोबेल प्राइज के फील्ड में आप लोगों को बांट रहे हैं, ठीक है। तो नोबेल प्राइज 1901 में यहाँ पर स्टार्ट किए गए पहली बार। तो इन्होंने 5 बोला था, 5 नोबेल प्राइज के फील्ड कौन कौन से हैं अगर यहाँ पर आप लोगों के सामने निकल कर आए, तो यहाँ पर बेसिकली मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस और यहाँ पर लिटरेचर। फिर बाद में एक और ऐड कर दिया गया, इसको बोला गया इकोनॉमी का फील्ड, ठीक है। तो इकोनॉमी का फील्ड कब ऐड किया गया यहाँ पर, तो ये ऐड किया गया 1968 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है, यानी कि स्टार्टिंग से नहीं है, बाद में इसको ऐड किया गया। और यहाँ पर बेसिकली स्वीडन सेंट्रल बैंक के द्वारा ये प्राइज दिया जाता है, तो इसको नॉर्मली नोबेल प्राइज बोलते भी नहीं है इसको, ये इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, यानी कि उनकी मेमोरी में दिया जाता है और उसी पैटर्न में दिया जाता है, पर लेकिन ये नोबेल प्राइज से डिफरेंट है, कई दिन बाद में आप लोगों को देखने को मिलता है ये, ठीक है। तो ये बेसिक फंडा हो गया। तो यहां पर अगर बात करें स्वीडन जो होता है वो ऑल प्राइज देता है, जैसे कि पीस प्राइज वगैरह सारे, ठीक है। नॉर्वे जो पीस प्राइज को छोड़ के, नॉर्वे जो होता है वो पीस प्राइज देता है ओनली, ठीक है। तो नॉर्वे ओनली पीस प्राइज देता है, स्वीडन बाकी सारे प्राइज देता है। ये बाल्टिक सी हो गया, ये नॉर्थ सी हो गया, ये हो गया यूके। तो इस तरीके से थोड़ा एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। तो बाकी सारे नोबेल प्राइज के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है और मैंने बताया था कि आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी यहाँ पर, ठीक है। तो ये पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड कर लेना, रिवीजन करने के काफी काम आएगी आप लोगों को, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर डाउनलोड करके रख लेना, क्योंकि एक जगह बड़े ही शॉर्ट फॉर्म में, क्रिस्प फॉर्म में आप लोगों को सारी चीजें मैंने कवर करा दी उसके अंदर में। तो उसको आप लोग जरूर एक बार रिवीजन के लिए अपने पास में रख लेना, क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होगा और लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद भी रख पाएंगे, ठीक है। तो ये है इसके बारे में बेसिक बातें, आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं, ओके। आइए अब आगे चलते हैं प्रीलिम्स फोकस न्यूज के ऊपर, कुछ यहां पर बातें करते हैं। यहां पर क्या क्या बातें हैं, एक आर्टिकल था इक्विटी के बारे में, ठीक है। वो आर्टिकल मैंने काफी डिटेल में बना रखा है बेसिकली, तो इसको टाइम लगेगा थोड़ा ज्यादा डिस्कस करने में, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये आर्टिकल जो है मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूंगा कल या फिर परसों, क्योंकि जब आर्टिकल कमाएंगे फिर संडे में, क्योंकि ये आर्टिकल बहुत डिटेल में डिस्कस करना है, तो मुझे लग रहा है 15 से 20 मिनट ले लेगा अकेला, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली मुझे लगा कि अभी डिस्कस तो मन कर रहा था डिस्कस कर दूं, पर लेकिन फिर लगा कि फिर ये ना मतलब कि वीडियो भी काफी लंबी हो जाएगी, तो इसको डिस्कस कर लूंगा, टेंशन मत ले, पूरी पीपीटी बना रखी है मैंने, ठीक है। तो मैं इसको बता दूंगा आप लोगों को, या जब भी कल परसों में जब भी टाइम मिलेगा, पूरा काफी प्यारा आर्टिकल है और काफी डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं, पीपीटी तैयार है, टेंशन मत लेना, वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर अभी बात की जा रही है किसके बारे में, आर्मी के बारे में बेसिकली, अभी और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो कंडीशन देखने को मिल रही है उसके चलते। तो यहाँ पर अभी जो टेररिस्ट अटैक देखने को मिल रहे हैं, कई सारे हमारे जवान भी यहाँ पर शहीद हो रहे हैं और लोकल एरिया में काफी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो उसी के चलते यहाँ पर ये आर्टिकल है। तो यहाँ पर बोला गया कि रिसेंटली जो अटैक है जम्मू एंड कश्मीर में टेरर आउटफिट के, तो न्यू स्ट्रेटजी यहाँ पर आनी चाहिए, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बोल रही है। जब भी एनआईए की बात आती है तो इसका मतलब यह है कि टेररिज्म के ऊपर, इन सब मुद्दों के ऊपर बात की जा रही है, और एनआईए का एक्ट है हमारे देश में जो कि यहाँ पर बहुत बात करते हैं कि कोई भी ऐसा मुद्दा जो हमारे देश की सोवरेनिटी, संप्रभुता को हट करे, हमारे देश की इंटीग्रिटी को हट करे, हमारे देश की सिक्योरिटी को हट करे, हमारे देश के रिलेशन किसी दूसरे देश के साथ में अच्छे हैं उसमें कोई दिक्कत क्रिएट करे, एटॉमिक या फिर न्यूक्लियर फैसिलिटी पर कोई इंपैक्ट डाले, इसी के साथ में हमारे देश की काउंटर जो एक काउंटरफिट यानी कि हमारी करेंसी का नकली करेंसी लाकर देने की कोशिश करे, तो इन मुद्दों को एनआईए टैकल करेगा हमारे देश में, ठीक है। तो टेरर को कंबैट करने का भी काम यहां पर दिया गया है। इसी के साथ में इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट, कन्वेंशन, रिजोल्यूशन जो भी होते हैं उनको कैसे इंप्लीमेंट करना है उसके ऊपर भी यहां पर ये बेसिकली फोकस प्रोवाइड कराता है। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी भी बोलाते हैं, जिसका हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली में, ब्रांच इसके हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर और जम्मू के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो इसके द्वारा बोला गया एक प्रॉपर चीजों को हैंडल करना चाहिए। ये यहाँ पर काफी ह्यूज फॉलोवर थे यहाँ पर इनके, जिनका नाम आप लोगों को पता है, गुरमीत राम रहीम, ठीक है। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली इनको लाइफ टर्म दिया गया है क्योंकि इनके द्वारा जो मर्डर किए गए, ठीक है। तो डेरा चीफ और 4 इनके साथ में और लाइफ टर्म इनको मिला क्योंकि इनके द्वारा बहुत सारे अपराध किए गए, जो पर्टिकुलर जो इनका जो पूरा सिस्टम था जिसके अंदर काम चलता था ये यहाँ पर बोला गया। तो सीबीआई के द्वारा पूरी चार्जशीट यहाँ पर चाइल की गई थी, उसके खिलाफ केस चला, फिर 2017 से यहाँ पर बेसिकली ये जेल में बंद है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल जो है कंडीशन जो है वो ये हो गई कि इनको लाइफ टर्म मिल गया बेसिकली। कई सारे लोग फॉलोवर थे इनके यहाँ पर, देखिए फॉलोवर हमेशा अपने पेरेंट्स के रहो, ठीक है। कभी भी इस तरीके से जो ये होते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, हमेशा कुछ ना कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए नजर आएंगे, खासकर साधु जो सोसाइटी में एक अलग ही इमेज के हो गए आज की डेट में, ठीक है, क्योंकि ऐसे कंडीशन देखने को मिलती है। पर सारे इंसान भी एक जैसे नहीं होते हैं, बहुत सारे इंसान अच्छे भी हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके, मैं बेसिक बोलने का मतलब है कि किसी को भी फॉलो करो तो आंख बंद करके नहीं, आप लोगों को उस इंसान की गलतियां भी दिखनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोगों को होना चाहिए, खासकर एक तरीके से पेरेंट्स एक ऐसे चीज होते हैं जो आप लोगों को आंख बंद कर सारी चीजों में आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, सारी अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। पर उसके अलावा अगर तीसरा पर्सन कोई हो जाए, अब जैसे टीचर कोई सिलेक्शन हो जाए तो टीचर को अच्छा लगता है, पेरेंट्स को अच्छा लगता है, इसके अलावा हर एक इंसान आप लोगों से चिढ़ेगा, ठीक है। ये आप लोगों ने नॉर्मली एक ह्यूमन टेंडेंसी देखी, क्योंकि वही 3 डेट वाली मूवी देखी, उसमें बोलता था
कि हाँ दोस्त पास हो जाए तो एक तरीके से एक अच्छा लगता है, पर लेकिन दोस्त टॉप कर जाए तो बुरा लगता है, तो वही वाली बात है। क्लास ट्वेल्थ और क्लास टेंथ के बारे में बेसिकली बात की जा रही है, इसके जो एग्जाम के बारे में, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो जो यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसके द्वारा बोला गया कि यहाँ पर जो क्लास ट्वेल्थ के एग्जाम है वो दिसंबर 1 से लेकर 22 तक का, और टेंथ के जो है यहाँ पर वो नवंबर 30 से लेकर 11 दिसंबर तक का देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये देखते हैं कोविड 19 के बाद में कुछ चीजें हो रही हैं तो कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। ओके, फार्मर प्रोटेस्ट की वजह से बोला जा रहा है कोयले की ट्रेन नहीं आ पा रही है और उसकी वजह से कोयले की कमी देखने को मिल रही है, तो एक ये भी मुद्दा आप लोग ऐड कर सकते हैं कि कोयले की जो अभी जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं कर पाया, उसका क्या रीजन था। तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि बारिश काफी ज्यादा हो रही, कई सारे एरिया में वो दिक्कतें देखने को मिली जिसकी वजह से पानी भर गया, कोविड 19 की वजह से यहाँ पर कई जगह रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी उसकी वजह से दिक्कत थी। अब यहाँ पर फॉर्मर का प्रोटेस्ट भी एक अलग पॉइंट आप लोगों का यहाँ पर ऐड हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से भी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी की जो नहीं भरपाई हम लोग कर पाए जहाँ पर बेसिकली चीजें पहुंचानी थी। पहली डेथ हो गई दिल्ली में बेसिकली डेंगू की वजह से, तो ये दिक्कतें देखने को मिली। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये इंडीज इजिप्ट जो मॉस्किटो है उसकी वजह से यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो कई बार आप लोगों के सर में जो बेसिकली दर्द नजर आएगा, ठीक है, नाक से ब्लीडिंग कई बार होने लगती है, मसल में पेन, वोमिटिंग, रेसिस, डायरिया, इनके पेट में भी दस्त लग गए। ठीक है, तो क्रिटिकल फेज में हाइपरटेंशन और कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो रिकवरी में सारी चीजें आप लोगों को नॉर्मल होने लगेगी। ठीक है, सो एक तरीके से जो स्लो हार्ट रेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कई सारी चीजें बोलेंगे, तो नॉर्मल कंडीशन ये है। आज की डेट में कोई भी बीमारी होती है, कहने का मतलब ये है कि उसको हल्के में नहीं लेना है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। कब इंसान निकल जाए आज के डेट में कुछ नहीं कह सकते, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, तो ये याद रखिए। आगे चलते हैं, यहां पर अभी बात की जा रही है आर्मी के द्वारा ट्रेन किए गए ऑफिसर पोस्टेड इन एलएसी। एलएसी क्या है? ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है उसके बारे में बात की जाती है। तो यहां पर तिब्बतोलॉजी के पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, यानी कि जो लामास है फ्रॉम जो यहां पर बोमदिला मोनेस्ट्री, तो उनको इंगेज किया जा रहा है यहां पर इस तरीके से। तो 15 सोल्जर जो है फिनिश किया उन्होंने अपना कोर्स, तो वहां पर उनको बेसिकली लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये इंडो और चाइना बॉर्डर की बात की जा रही है अरुणाचल प्रदेश में। ओके, तो ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन है जो याद रख सकते हैं। बाकी मुंबई के अंदर बोला गया कि 40% जो ग्रीन कवर है वो लॉस हो गया 1991 से लेके लगभग 2018 तक। तो 40% बहुत बड़ा एरिया होता है, सिटी जो है लगभग 81% तक यहाँ पर जो है आज के डेट में लॉस कर चुकी है। तो इसके ऊपर एक एनालिसिस यहाँ पर किया गया। तो हमारी कंट्री में मैंने बताया था कि फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से बात करें तो 33% जो बेसिकली हमारी कंट्री में फॉरेस्ट कवर नॉर्मली होना चाहिए, आज के डेट में 23% ही करीब है। तो ये मैंने फॉरेस्ट वाला एक आर्टिकल डिस्कस किया था, डिटेल में बताया था। क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पर ये, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज हमारे देश में किस राज्य में और सबसे कम किस राज्य में, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है ये बताइएगा, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ओके, तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, यहां पर लॉन्ग पेंडिंग जो ट्रेड डील है इंडिया और इजराइल के बीच में, उसको रिज्यूम करने की बात की जा रही है। हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो जयशंकर साहब है वो इजराइल के विजिट पर है और उनके साथ में वहां पर बातें यहां पर की जा रही है। ठीक है, तो यहां पर अभी बेसिकली अगर बात की जाए तो कई सारी चीजें, एक मेमोरियल भी है यहाँ पर, ठीक है, आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहां पर होलोकॉस्ट देखने को मिला तो वहां पर भी गए। इसी के साथ में हमारी कंट्री और इसराइल के काफी पुराने रिलेशन भी है, वर्ल्ड वॉर के टाइम पर काफी सारे हमारे जो सिपाही थे उनकी भी यहां पर बेसिकली जान गई थी, तो वहां पर भी ये ट्रिब्यूट पे करेंगे। और इसराइल काफी बड़ा पार्टनर रहता है, जब मुंबई में टेरर अटैक हुआ था ना उस टाइम पर इसराइल ने बोल दिया था हमको टाइम दो, हम आपके साथ में खड़े हुए। ठीक है, तो इसराइल हमेशा धड़ल्ले से हमारे साथ में आता है। ठीक है, पर लेकिन फिलहाल जो है रिलेशन जो है वो अभी कुछ अप टू द मार्क नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट भी चेंज हो गई है, तो देखते हैं आगे कैसे चीजें चलने वाली है। ठीक है, अभी अगर बात की जाए तो यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा तमिलनाडु के अंदर में, तमिलनाडु के अंदर में यहां पर बेसिकली तामीरा भारिनी, ठीक है, तो तामीरा राबिनी बेसिकली यहां पर ये रिवर है। ठीक है, जिसके चलते यहां पर दिक्कतें देखने को मिल रही है। और एक यहां पर पापानसम डैम, ठीक है, तो यहां से ये पानी छोड़ा गया, इसकी वजह से जो बाढ़ आ गई और बच्चे तो अपना मजा लेते हैं खेलने में, तो बच्चे यहां पर एक तरीके से उनका स्विमिंग पूल बन गया। ओके, आगे बात करें, यहां पर कुशीनगर को श्रीलंका से कनेक्ट करने की बात की जा रही है। कुशीनगर वही एरिया है जहां पर गौतम बुद्ध जी के आखिरी जो प्राण थे उनके द्वारा बेसिकली निकाले थे यहां पर। तो यहां पर देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सुअर का मांस खाकर इनकी जो डेथ हुई थी, तो कई सारे बच्चे बोले सर इसका प्रूफ क्या है, एनसीईआरटी वगैरह आप लोगों ने नहीं पढ़ी, सारी चीजें आप लोगों को किताबों में देखने को मिल जाएगी। तो ये मैं थोड़ी ना अपने पास से स्टोरी बना रहा हूँ यार कि ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। देखिए, बुद्धिज्म का एक पैटर्न था, वो ना एक मिड पाथ फॉलो किया करते थे, ऐसा नहीं कि बहुत एक्सट्रीम पाथ पे चले गए। जैसे कि अगर बात करें जैनिज्म में बोलते हैं कि कीट पतंगा भी कोई नहीं मरना चाहिए, तो कोई भी किसान जो है वो आप लोगों को जैन नहीं देखने को मिलेगा। रीजन क्या है, किसान तो खेतों में हल चलाते हैं, वहां पर तो केंचुए भी रहते हैं, पता नहीं क्या क्या निकल कर आते हैं, तो सारी चीजें देखने को मिलती है। वो जैनिज्म एक्सट्रीम फॉर्म में बेसिकली चीजों को लेकर चलाता है। बुद्धिज्म क्या कहता है, मजे करो जिंदगी के, मतलब ऐसा नहीं आप लोगों के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो इसलिए यहां पर
बुद्धिज्म एक ऐसे टाइम पर लाया गया जब काफी ज्यादा रिजिड सोसाइटी हुआ करती थी, तो एक लिबरल सोसाइटी बनाने के लिए बुद्धिज्म को लेकर आया गया। तो इसी तरीके से जो इनके सारे पात्र है मिड पाथ रहते हैं, किसी को जो खाना खाओ पियो यार आपकी जिंदगी है, आप अगर कुछ अच्छा खाओगे तो आपकी बॉडी पर लगेगा, बुरा खाओगे तो आप लोगों की बॉडी बर्बाद होगी। तो बुद्धिज्म ये बोलता है कि आप लोग अपने डिसीजन अपने आप लो, ठीक है, तो एक तरह से मिड पाथ लेकर चलो, ज्यादा एक्सट्रीम मत रहो, ये भी नहीं करना है वो भी नहीं करना है, अब एक करो इंजॉय करो ना जिंदगी को। अगर आप लोगों को लगता है किसी ऐसे, आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली क्या करते हैं, एक इंसान है कि दारू पी रहा है डेली, बर्बाद हुआ पड़ा है, एक इंसान है कभी कभी थोड़ा बहुत उसको लगता है कि यार खुशी है चलो कर लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, तो ये वाला चल जाता है सेकंड वाला, पर लेकिन जो लत में लग गया है तो इसलिए बोलता है मिड पाथ लेकर चलो, एक्सट्रीम मत हो, ठीक है, कि हाँ बिल्कुल भी कि बिल्कुल पीना ही नहीं है। पता चला किसी ने बोल दिया कि ये दारू पीने से ही तुम्हारी बॉडी की हेल्थ सही होगी, क्योंकि अगर एक ढक्कन दारू पी लेते हैं, मैंने कई बार सर्दियों में मतलब कुछ बोलते हैं शायद खांसी नजला जुकाम कुछ ठीक करता है, ठीक है, तो दवाई का काम करता है वो, ठीक है, तो उस तरीके से आप लोग उसको ले सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि कुछ करना ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है, कि हाँ ये काम मुझे करना ही नहीं है। अब एक इंसान है, एक पर्टिकुलर इंसान है कि हाँ ये सारी चीजें मुझे बिल्कुल ही नहीं करनी है, ठीक है, तो एक बोलता है कि एक्सट्रीम पाथ मत लेकर चलो, तो मिड पाथ लेकर चलो, कि लत भी नहीं किसी की लगनी है और आप लोग अपनी लाइफ भी एंजॉय करनी है, तो वो वाली जिंदगी सबसे ज्यादा खुश रहेगी। तो इसलिए बुद्धिज्म जो है वो सबसे लिबरल पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है, तो बड़ा ही सही है बेसिकली, अपना जिंदगी को एंजॉय करो, कहने का मतलब ये है। अब ये मत बोलना सर तो ये बोले थे कि ढक्कन तो पी लो कम से कम, ठीक है, तो वो वाली चीजों को अलग तरीके से ले जाते हो, कई बार गलत बात है। ओके, कोलिन पावल के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर ये फर्स्ट ब्लैक यूएसए के सेक्रेटरी थे, रिसेंटली अभी हमारे बीच में नहीं रहे, तो ये है बेसिकली इनके बारे में एक छोटी सी बात। चाइना ने टेस्ट डिनाई कर दिया कि हम लोगों ने हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो टेस्ट नहीं किया है, बेसिकली बोला गया था कि यूएसए को ही हिट करने वाला है, बेसिकली कई सारी बातें चली थी तो चाइना भी इशू चल रहा है। तो हाइपरसोनिक क्या है मैंने बताया था, बताइए कौन कौन सी स्पीड होती है, हाइपरसोनिक सुपरसोनिक ये सारी मैंने बताई थी, चारों की चारों स्पीड लिखी है मैक में कितनी होती है, ठीक है, देखता हूँ किस किस को याद है। ओके, तो बेसिकली हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बेसिकली यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कोटेशन, फिर उसके बाद में एक छोटी सी न्यूज क्वेश्चन मैंने पूछे जिनके आंसर आप लोगों को बताने थे, ठीक है, तो उसके साथ में तीन क्वेश्चन है जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं, ठीक है, तो इनको अटेम्प्ट कीजिएगा, कल इनको आंसर बताऊंगा। इसके बाद में फिर हम लोगों ने यहाँ पर जो टेक्स टेररिज्म और ये सारी बातें समझी, ठीक है, ये यहाँ पर अपनी पॉलिसी देखी और पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी देखी और कहाँ पर क्या क्या चल रहा है और एनरिचमेंट कैसे किया जाता है और नेम वगैरह वो सारी चीजें देखी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने लैंडस्लाइड के बारे में काफी कुछ डिस्कस किया, यहाँ पर क्या क्या रहता है लैंडस्लाइड, क्या क्या फंडा है, और यहाँ पर दो कमिटी बारे में डिस्कस किया, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नोबेल प्राइज के बारे में काफी कुछ मैंने आप लोगों को बताया, ये भी छोटी सी टर्म्स थी यहाँ पर, इसको देख लेना, वैसे ही सारी मैंने एक्स्ट्रा जो वीडियो बना रखी ना नोबेल वाली उसमें मैंने सारी चीजें कवर कर रखी आप लोगों की, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा और सोचा कि टाइम ज्यादा क्या यहाँ पर वो करूँ, जिसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो नोबेल प्राइज वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। अपनी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी के बारे में, शैडो कैबिनेट क्या होता है, वो सारी चीजें मैंने डिस्कस की और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। और बाकी ये जो आर्टिकल है मैंने बताया आप लोगों को, इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा, टाइम ज्यादा लग जाता है इसलिए मैंने इसको स्किप किया है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं अपना आप टेंशन में ले लूंगा, आप लोग मत लेना, मैं कवर कर लूंगा, ठीक है। एनआईए के बारे में समझा क्या क्या चीजें चल रही हैं, तो वो हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने सीबीएसई के एग्जाम और कोयला क्यों नहीं आ रहा है, डेंगू के बारे में जाना, क्या क्या चीजें चल रही हैं एलएसी में वो समझा कुछ, ठीक है। इसी के साथ में ग्रीन फॉरेस्ट कवर, वो सारी चीजें, क्वेश्चन पूछता हूं उनके आंसर जरूर दिया करो, डैम के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में, यहां पर एक पर्सनैलिटी और ये, ठीक है, चाइना का। ओके, तो टोटल ये था डिस्कशन, कैसा रहा, फीडबैक जरूर दिया करो, लेक्चर को लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हो, ठीक है, तो ये जरूर किया करो, 10 में से क्या मार्क्स रहेंगे जरूर बताना इस लेक्चर को देखकर, और बाकी मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं यहां पर भी सब जगह। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोड़ो को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।